ऐसा कितने लोग मानते हैं कि प्रभु घट घट वासी है, सबके भीतर बैठा हुआ है, बताओ जरा, सभी मानते हैं ऐसा? ये सत्य कहते हो या सुना हुआ कहते हो? यदि ऐसा सत्य है तो फिर भाई से क्यों झगड़ते हो? ऐसा सत्य है तो पत्नी का अपमान क्यों करते हो? ऐसा सत्य है तो माता पिता को कष्ट क्यों देते हो? ऐसा सत्य है तो जीव जंतुओं को काट करके क्यों हजम कर जाते हो? यदि ऐसा सत्य है तो प्रकृति को क्यों विकृति की तरफ ले जाते हो? यदि ऐसा सत्य है तो क्यों किसी और में दिखता नहीं है? सिर्फ सुनी सुनाई बात कहते हो, देखते नहीं हो। क्यों बच्चों पर इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते हो? अरे उसमें भी राम है, अगर रूठ गया तो। क्यों बूढ़े माँ बाप को एक एक गिलास पानी के लिए तरसा देते हो? उसमें भी तो राम है, यदि दुखी हो गए तो। आसान है कहना कि वो घट घट वासी है, पर मुश्किल है उसको देखना हर घट में। ये तो कोई बिरला ही तुलसीदास जैसा ही देख पाता है। वो केवल कहते नहीं है, वो देखते हैं सब में। इसलिए किसी का अनादर नहीं करते, किसी का अपमान नहीं करते। वो भक्त गुरुजी के पास जाकर के प्रणाम करके कहता है कि मैं आपका दर्शन किए बिना कभी भोजन नहीं करता, चाहे शाम हो जाए। लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं गुरु के दर्शन के लिए, और बहुत देर से कभी पहुंचता है तो कभी शाम भी हो जाती है, पर गुरु दर्शन करके ही भोजन करता है, संत दर्शन करके ही भोजन करता है। मैं भोजन नहीं करता हूं आपके दर्शन के बिना। तो संत ने कहा कि तुम क्यों विचलित होते हो, क्यों चिंता करते हो और क्यों इतनी लंबी लंबी लाइन में लगे रहते हो, मैं स्वयं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। इसने कहा कि ये तो बहुत आनंद की बात है। घर आया और इसने भोजन की सब तैयारी कर ली और सामग्री बना के रख ली, भोजन तैयार है। और जब भोजन तैयार हो गया, ये प्रतीक्षा कर रहा है। समय बीतता जा रहा है, गुरुजी दिखाई नहीं दे रहे, संत तो कहीं दिखाई नहीं दिए। एक कुत्ता आया, जिसमें से दुर्गंध आ रही है, दौड़ा डंडा लेकर के उसको मारने के लिए, भगाने के लिए। अरे मेरे गुरुदेव की बाट देखता हूं मैं, और तुम यहां आकर मेरा सब व्यवस्थाएं भंग कर रहे हो, इस स्थान को पवित्र कर रहे हो, भोजन को पवित्र करने के लिए आ गए। अरे मेरे गुरुदेव के लिए ये पकवान बनाए, मिष्ठान बनाए हैं, ये आसन लगाया, ये स्थान स्वच्छ किया है, और मारने चला। दौड़ाया कुत्ते को, बहुत दो तीन डंडे भी जमा दिए। शाम तक बाट देखता रहा, गुरुजी नहीं आए, तो शाम को ये पहुंचा और कहता है, गुरुजी आज तो पूरे दिन भूखा ही रखा आपने, आप आने वाले थे, आए क्यों नहीं? मैं प्रतीक्षा देखता रहा, वाट करता रहा, आप क्यों नहीं आए? गुरुजी ने कहा, मैं तो आया था। नहीं नहीं आप आए नहीं थे। बोले मैं आया था, इसका प्रमाण यह कि दो तीन डंडे अभी भी मेरी पीठ पे छपे हैं। मैं तो आया था, तुमने भगा दिया मुझे। इसने एकदम कान पकड़ लिए, उस रूप में आए आप गुरुदेव, क्षमा करना, मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, मुझे क्षमा करना प्रभु, कल वाट देखूंगा, कल भगवान स्वयं गुरु रूप में आ रहे हैं। पकवान बनाए, सब स्थान स्वच्छ किया, आसन लगाया, वाट देखता रहा। अब तो कोई कुत्ता भी नहीं आ रहा, पूरे दिन देखता रहा। एक भिखारी आया, फटे से कपड़े पहने हैं, हाथ में कटोरा है, थोड़ा सा कुछ जो भी हो तुम्हारे पास दे दो। इसने चिल्ला करके कहा, ये मेरे गुरुदेव के लिए व्यवस्था है, कहीं ना जाने कहां कहां से लोग आ जाते, कहीं और जाइए। और बहुत शब्द ऐसे कहे जो नहीं कहने थे,
और फिर उसको वहां से भगा दिया। प्रतीक्षा करता रहा पूरे दिन, दूसरे फिर शाम को गया, कहा गुरुदेव आज तो मैं देखता रहा आप किसी रूप में आए ही नहीं। अरे मैं आया था, मैंने तुमसे भोजन मांगा भी था पर तुमने दिया ही नहीं। अब इसने फिर कान पकड़े, आप उस भिखारी के रूप में आए थे, मुझे क्षमा करना प्रभु, मुझे क्षमा करना, गलती हो। तुम एक रूप लेकर बैठे हो कि वो आएंगे धनुष बाण लेकर के आएंगे, तब हमारे सामने जब प्रकट होंगे तब हम शबरी की तरह उनको बेर खिलाएंगे। शरीर रूप से उस त्रेता युग में प्रभु राम थे, इसलिए उस शरीर में आए, आज उस शरीर में नहीं आने वाले हैं। द्वापर में कृष्ण रूप में आए, समय समय पर अनेकों रूपों में आए, वही नरसिंह वामन वारा असित कक्षप तमाम मत्स्य इत्यादि अवतारों में वही आए हैं, वही राम कृष्ण बनकर अलग अलग स्वरूपों में आए हैं, अलग अलग समय में आए हैं, पर हम एक ही रूप लेकर, बांसुरी बजाने वाला आएगा, धनुषधारी आएगा, तो हम बस उसको प्रणाम करेंगे, या मूर्ति में मंदिर में ये मूर्ति दिखेगी तो हम प्रणाम करेंगे, हनुमान जी जैसे गदा लिए अगर कोई मूर्ति दिखती है तो प्रणाम। हनुमान जी केवल उसी मूर्ति में है, हनुमान जी यहाँ कहीं किसी भी रूप में नहीं आ सकते क्या? हनुमान जी केवल एक ही स्थान पर है क्या? राम जी केवल एक ही स्थान पर है क्या? और हनुमान जी केवल मंगलवार को ही आएंगे क्या? और शिव जी केवल सोमवार को ही आएंगे क्या? बाकी के वार में क्या कहीं अवकाश पर चले जाते हैं? सारे दिन उनके हैं, हर पल उनका है, हर मंदिर उनका है, हर स्थान उनका है, हर स्वरूप उनका है, वो कहीं भी कभी भी किसी रूप स्वरूप में आ सकते हैं। आपने जैसा अपने भीतर छवि बनाई है वो उसी रूप में आई है, जरूरी नहीं है। अरे उनके तो हरि अनंत है और उनके स्वरूप भी अनंत है, उनके नाम भी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है। वो क्या करता है, कैसे करता है, कब करता है, क्यों करता है, ये जीव जानने वाला नहीं है। इसीलिए सुलभ रास्ता संतों ने बताया, फिर सब रूपों में राम दर्शन कर लिया करो, वो कभी भी आए, किसी भी समय आए, कहीं भी आए। हो सकता है कि आपके घर में आपके बाल गोपाल के रूप में आ जाए, किसी भी रूप में आ सकते हैं राम, किसी भी रूप में आ सकते हैं प्रभु। ये आपको चिंतन करना पड़ेगा कि हमें अपनी दृष्टि से नहीं, हमें राममय होकर उस दृष्टि से प्रभु को देखना है।